वैसे तो हमें WWE के अंदर काफी नॉर्मली रेसलिंग देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी सुपरस्टार्स के लिए चीजें सही नहीं होती और उनको एम्बैरेस होना पड़ता है हम सभी के सामने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स के बारे में जब WWE सुपरस्टार्स को सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इसे एंड तक देखना। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। मंडे नाइट रॉ 2001 विंस मैकमैन एंड ट्रिश स्ट्रैटस रिंग में होते हैं और विंस मैकमैन काफी गुस्से में होते हैं, वो ट्रिश स्ट्रैटस से काफी नाराज थे। ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ पे काफी कोशिश करते हैं विंस मैकमैन को मनाने की, वो यहाँ पे काफी सॉरी बोलती हैं, लेकिन विंस मैकमैन कोई भी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते। वो यहाँ पे ट्रिश स्ट्रैटस को एम्बैरेस करने के लिए उनको कुत्ता बना देते हैं रिंग में, उनको भौंकवाते हैं, लेकिन इसके बाद भी विंस मैकमैन का पेट नहीं भरता और वो फाइनली ट्रिश स्ट्रैटस को कहते हैं कि तुमको एक एक करके अपना ड्रेस उतारना होगा, तब जाके शायद मेरा मन बदल जाए। एंड फाइनली ट्रिश स्ट्रैटस को ऐसा करना पड़ता है, वो स्टेप बाय स्टेप अपना एक एक ड्रेस उतारती हैं। एंड जब फाइनल नंबर आता है तो विंस मैकमैन ऑडियंस से पूछते हैं क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो। ऑडियंस तो यहाँ पे पागल हो गई थी, लेकिन विंस मैकमैन अपना ब्लेजर उतार के ट्रिश स्ट्रैटस को दे देते हैं और उनको बैकस्टेज भगा देते हैं। June 11, 2021 स्मैकडाउन, यहाँ पे बैली का शो चल रहा था डिंग डोंग हेलो, जिसके स्पेशल गेस्ट होते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस एंड बैली दोनों यहाँ पे हील कैरेक्टर होते हैं, इसलिए वो सुजारो एंड बियंका ब्लेयर का काफी मजाक उड़ाते हैं। पहले तो वो सुजारो के बारे में बात करते हैं, इसके बाद बियंका ब्लेयर के बारे में, एंड ऐसे ही बात करते करते वो काफी फनी तरीके से उनका इंसल्ट करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे सुजारो आते हैं जो कि सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये अटैक कुछ ऐसा होता है कि सेथ रॉलिंस का पैंट फट जाता है और वो सबके सामने एम्बैरेस हो जाते हैं। अंडरवियर में वो लड़ रहे थे सुजारो से, एंड फाइनली सेथ रॉलिंस भाग जाते हैं बैकस्टेज। August 8, 2016 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे लाना एंड रूसेव का सेलिब्रेशन चल रहा था, उनके शादी का सेलिब्रेशन। वो दोनों यहाँ पे अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे और इन दोनों को इंटरप्ट करते हैं हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस यहाँ पे चैलेंज करते हैं रूसेव को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रूसेव उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड फाइनली रोमन रेंस कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ के सामने हारने से डरते हो। एंड फाइनली रूसेव को गुस्सा आ जाता है और वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर इनके बीच हमें दो दो हाथ देखने को मिलता है, एंड फाइनली रूसेव के हाथों से लाना को चोट लग जाता है, वो केक के ऊपर गिर जाती हैं और उसके बाद लाना का पूरा फेस केक केक हो जाता है। रोमन रेंस चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं और लाना को सभी के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। June 6, 2019 स्मैकडाउन, यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस डॉब जिगलर का मैच चला था और डॉब जिगलर की साइड से किंग कॉर्बिन होते हैं रिंग साइड पे, लेकिन तब भी यहाँ पे रोमन रेंस डॉब जिगलर को मैच में हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद किंग कॉर्बिन अपनी सिक्योरिटी के साथ रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोमन रेंस के साथ वो नंबर्स गेम चालू हो जाता है, इसलिए रोमन रेंस सभी को नहीं संभाल पाते। एंड फाइनली किंग कॉर्बिन एंड डॉब जिगलर रोमन रेंस के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके ऊपर काफी अटैक करने लगते हैं। एंड फाइनली डॉब जिगलर रोमन रेंस को हैंडकफ्स लगाकर रिंग में बांध देते हैं रिंग साइड में, और इसके बाद काफी एम्बैरेस करना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पे रोमन रेंस को डॉग फूड खिलाने लगते हैं, उनके ऊपर पूरा डॉग फूड लगाने लगते हैं, डॉग फूड से पूरा नहला देते हैं रोमन रेंस को, जो कि रोमन रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। June 28, 2003 मंडे नाइट रॉ, यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिंग में होते हैं और स्टेफनी मैकमैन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। स्टेफनी मैकमैन उस टाइम जनरल मैनेजर थी, इसलिए वो यहाँ पे काफी उठपटांग फैसले किया करती थी। वो यहाँ पे काफी इंसल्ट करती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को उनके बियर्स के लिए, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी कहाँ रुकने वाले थे। वो यहाँ पे अपनी बियर की पैटी को स्टेफनी मैकमैन के गले में डाल देते हैं और कहते हैं कि इसको उठाए रखो, कहते हैं जिससे यहाँ पे और भी स्टेफनी मैकमैन को गुस्सा आ जाता है। इनके बीच काफी बहस होती है, एंड फाइनली स्टोन को स्टीव ऑस्टिन अपना बियर का पैटी ले लेते हैं, लेकिन वो स्टेफनी मैकमैन के ड्रेस से चिपका हुआ था और जैसे स्टोन कोल्ड खींचते हैं उसे,
स्टेफनी मैकमैन का टॉप उतर जाता है और उनको सभी के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। स्टेफनी मैकमैन दौड़कर वहां से भाग जाती हैं बैक स्टेज। टॉप 5 मोमेंट जब सुपरस्टार्स को सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यूट्यूब पे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।